तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर एक्सरसाइज 4.1 जानेंगे। तो ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखे तो दिया है, इसमें कुछ टोटल दो क्वेश्चन दिया है और वो इसका बारे में जो कुछ भी दिया है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका बता दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देखने पर भी आपको समझ आएगा। तो एक पहला क्वेश्चन दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो कलम नोटबुक और कलम की कीमत दिया है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत एक्स होगा, एक्स रुपीज, और कलम की कीमत इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो मतलब जितना कलम का कीमत होगा उसके दोगुने होगा नोटबुक की कीमत, तो ये हो जाएगा 2y। तो इस तरह ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन गया। ठीक, इसको हम इस तरह कर सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, तो ये एक चर है, यहाँ दो एक चर है, दो चर हो गए, अलग अलग चर हैं। तो ठीक, और ये इसका घात एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन इस तरह को पहले पढ़ लिया जाता है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जिससे इजली सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 पर 12। ठीक, तो इस तरह दिया है, तो हमें इसको कैसे लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर e का मान 2 लिख लेंगे इसे तुलना करने पर। यहाँ पर b का गुणांक क्या है, यहाँ पर y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक b है, तो y का गुणांक 3 होगा, तो b का मान 3 हो जाएगा। अब इसी को हमें इसे पक्षांतर करना होगा। ठीक, तो जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार इक्वल्स टू 0। ठीक, इस तरह हो जाएगा इसके लिए, तो ये माइनस, तो c का मान हो जाएगा 9.355, यहाँ पर माइनस भी होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, इसमें और क्वेश्चन भी दिए अभी किया है, एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y, इसे भी लिखना है। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे करेंगे ठीक इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर हम 0 अपने आप से लिख लें यहाँ पर, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखे अगर, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 1, क्योंकि एक का गुणांक है, और बी का मान हो जाएगा -3 और सी का मान हो जाएगा 0। ठीक, तो इस तरह हम क्वेश्चन को एक गुणांक देखकर इसमें दोनों में तुलना करके हम निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।